साथियों, आज एक साल हो गया है। हम अपने तमाम साथियों को यहां से नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। साथियों, पूरे देश में आदिवासियों के खिलाफ, ट्राइबल्स के खिलाफ, इंडिजिनियस लोगों के खिलाफ एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एक लड़ाई चल रही है, और वो लड़ाई आप मणिपुर में देख रहे हैं, हम लोग राजस्थान में फेस कर रहे हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोग वहां पर फेस कर रहे हैं, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, या देश के तमाम आदिवासी हिस्सों में हमारे साथी, हमारे लोग लगातार स्टेट की तरफ से और नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। जिस तरीके की हिंसा मणिपुर में हो रही है, इसी तरीके की हिंसा सेंट्रल इंडिया के भीतर भी है, झारखंड ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए। और यहां से मैं आप सबके साथ में अपनी सॉलिडारिटी व्यक्त करने के लिए आया हूं, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से, अपने प्रदेश की तरफ से, राजस्थान की तरफ से। साथियों, मामला सिर्फ मणिपुर का नहीं है। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के भीतर, लद्दाख के भीतर भी हमारे जो साथी हैं, ट्राइबल्स हैं, उनको किस तरीके से उनके राइट्स को छीन लिया गया। सेम इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के भीतर लगातार एट्रोसिटीज चल रही हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड एट्रोसिटीज हैं, और जहां पर की गवर्नमेंट कंप्लीटली फेलियर है। ऐसे में यह अब जरूरत है कि हम पूरे देश भर के आदिवासी एकजुट होकर के अपने हक, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, लीगल राइट्स के लिए फाइट करें, क्योंकि जिस तरीके का अटैक मणिपुर के ऊपर हुआ है, यह अकेला अटैक नहीं होगा। आने वाले दिनों में इसी तरीके के हमले राजस्थान और छत्तीसगढ़ और बाकी के हिस्सों में होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपके लैंड को, आपके नेचुरल रिसोर्सेज को छीनने की कोशिश मणिपुर के भीतर हुई है, वैसे ही लैंड और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के भीतर छीना जा रहा है। कहीं पर किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर, कहीं पर किसी और के नाम पर, कहीं पर माइनिंग के नाम पर, कहीं रेल प्रोजेक्ट्स के नाम पर, कहीं डैम्स के नाम पर लगातार हमारी लैंड को जो है ग्रैब किया जा रहा, छीना जा रहा है। इसलिए मैं आप सबसे बस इतनी ही बात कहने के लिए आया हूं कि हम सब लोग, भारत आदिवासी पार्टी, आप सबके साथ में है, आपकी डिमांड्स के साथ में है, और हम मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार। थैंक यू सो मच डॉक्टर जितेंद्र।